आज मैं आपके लिए गाजर और टमाटर का हेल्दी सूप लेके आई हूँ। ये बहुत टेस्टी है और इसको बनाना भी बहुत इजी है। तो इसमें मैंने दो बड़े बड़े गाजर लिए थे और उनको मोटे मोटे टुकड़े में काट लिया है, और एक बड़ा टमाटर है तो उसको भी हमने बड़े टुकड़े में काट लिया है। और ये पानी को गर्म होने दिया है। जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गाजर और टमाटर डालेंगे। डालने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि हमारे गाजर और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे गाजर और टमाटर पक गए हैं। अब हम इनको चेक करते हैं कि ये सॉफ्ट हो गए या नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब 2 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे। इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, बस थोड़ा ही ठंडा करना है, जितना कि हमारी मिक्सी में आराम से पिस जाए। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। तो इसकी फाइन प्यूरी बनाना है। तो देखिए हमारी प्यूरी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको छान लेंगे। अगर आपको नहीं छानना तो आप ना छाने। छानने में बस इस टमाटर के छिलके और थोड़े से बीज आते हैं। तो हम एक बड़ी छन्नी लेंगे और उसमें चम्मच की हेल्प से हम इसको छान देंगे। तो जितना निकलता है हम सारा निकाल देंगे, बाकी को जो बचता है हम उसको फेंक देंगे। देखिए इसमें टमाटर के बीज दिख रहे हैं और थोड़े इसमें टमाटर के छिलके होंगे, तो इनको हम फेंक देंगे। हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसको एक कटोरी में 1 चम्मच डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको घोल बना लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, इसका आप अच्छे से घोल बनाएं। तो देखिए हमारा घोल बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने एक पैन लिया था और उसमें हमने बटर डाल दिया था। जब बटर मेल्ट हो गया था तो उसके बाद हमने 2 कलियां लहसुन की पतला पतला चॉप करके डाल दी हैं। तो ये दिखाना मैं थोड़ा सा भूल गई थी। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें प्यूरी डालेंगे। तो हमारी लहसुन ब्राउन हो गई है, हम इसमें प्यूरी डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हमारी प्यूरी अभी गाढ़ी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही इसमें पानी डाल दें। अगर आपको थोड़ा और पतला चाहिए तो आप उस हिसाब से पानी डाल दें। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो हमें और कुछ भी नहीं डालना। तो देखिए हमारा सूप बॉईल हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और चलाएंगे और इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो अगर आपको कॉर्नफ्लोर नहीं डालना तो आप ना डालें, आपका सूप बिल्कुल तैयार है। कॉर्नफ्लोर से सूप की थिकनेस अच्छी हो जाती है, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दिखने लगता है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमें बस 1 से 2 मिनट और बॉईल करना है। इसके बाद हमारा सूप बनके बिल्कुल तैयार है। तो देखिए इसमें बॉईल आने लगा है। अब हमारा सूप बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने सर्विंग बाउल लिया है, उसमें हम सूप डालेंगे। सूप डालने के बाद हम उसमें ऊपर से डेकोरेट करेंगे। तो मैंने क्रीम से थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है। तो देखिए हमारा सूप बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। हम इसमें धनिया पत्ती लगा देंगे। तो देखिए हमारा सूप कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसका पीने का मज़ा गर्मा गर्म ही है, तो आप गर्मा गर्म बनाएं और इसको पिएं।